हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ऐप टेक्नोलॉजी इन हिंदी। आज हम बात करेंगे कि फेसबुक पे आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप फेसबुक आज के टाइम पे हर कोई यूज करता है। तो फेसबुक पे अकाउंट कैसे करना है, कैसे प्रोफाइल उसके अंदर फ़ोटो ऐड करनी है, या फिर उसका कवर फ़ोटो कैसे ऐड करना है, उसके अंदर बायो कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताने वाला हूं फ्रेंड्स। तो वीडियो पे बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने फ़ोन नंबर से या अपने ईमेल आईडी से एक अपने फेसबुक का अकाउंट बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कुछ भी डाउट होता है इस वीडियो के अंदर, आपको लगता है कि ये डाउट है, उसको ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उस पर रिस्पॉन्स करूँगा आपको और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे अकाउंट बनाना है फेसबुक का, वो उसके बारे में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका जो प्ले स्टोर है आप उसमें जाना, आपका एंड्रॉयड आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा उसमें जाना है आपको। वहाँ पे आपको लिखना है फेसबुक, आपके सामने ये जो ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन आएगा, इसको आपको ये डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप गूगल पे भी जाके आप अगर लिखेंगे facebook.com तो यहाँ से भी ये आ जाएगा। तो आप चाहें तो आप अपने एंड्रॉयड जो ऐप होती उससे भी कर सकते हैं, या फिर ये जो वेबसाइट है facebook.com इससे भी आप डायरेक्टली यहाँ से आप जाके आप यहाँ से फेसबुक का जो वेबसाइट है उसको लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक मोबाइल के अंदर बता रहा हूँ, आपको मोबाइल में करना है या फिर वेबसाइट से करना है, आपका जो प्रोसीजर होगा दोनों सेम होगा। तो करना वैसे है जिसमें आपको जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो एप्लीकेशन है facebook.com ये डाउनलोड हो चुका था, इसको जो ये जो ऑप्शन आ रहा है ओपन, आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब ओपन होने के बाद आप देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है ये फ़ोन और ईमेल का या पासवर्ड का। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर तो आपका फ़ोन नंबर या ईमेल से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं या यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से अगर पासवर्ड नहीं मालूम तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट करना है। तो हम ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हमें आपको क्लिक कर देना है। हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बाद का। अब नेक्स्ट में फ्रेंड आप देखेंगे इसके अंदर ये जो ऑप्शन आ रहा है ये ज्वाइन फेसबुक का, आप अगर आपको नहीं पता किस तरह क्रिएट करना है तो ये जो साउंड का ये जो साइन दिख रहा है आपको ओके कर देंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं फेसबुक की तरफ से कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें ये जो नेक्स्ट का स्टेप्स आ रहा है वो फॉलो करना है, या अगर आपको लगता है इंग्लिश में आपको थोड़ा सा ईजी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में आगे बढ़ें। तो हिंदी में का भी ऑप्शन आपके पास सामने आ जाता है, तो बेटर ऑप्शन है, जो भी आप देखेंगे आपके हिसाब से जो भी बेटर लगता है उसका आप चूज करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये ऑप्शन कह रहा है कि अलाउ फेसबुक टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, तो इसको अलाउ करना या डिनाई कर देना है। ये दो ऑप्शन आ रहा है अलाउ एंड डिनाई का, तो ये इसके अंदर दो ऑप्शन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि आपका व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको इसके अंदर एंटर कर देना है। तो आपका जो नाम एंटर करने के बाद मैंने आपको ये वाला जो इसका फीचर मैंने आपको बता दिया है, बट आपको नहीं पता तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी आपको आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको एंटर करके जो ये नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इसके अंदर अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्हाट इज़ योर बर्थडे, मतलब आपका बर्थडे किस दिन है या फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, उसमें आपको ये जो मंथ है उस पर डेज है और ईयर्स, इसके अकॉर्डिंगली ही आपको इसके अंदर एंटर कर देना है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर ये कह रहा है व्हाट इज़ योर जेंडर, कि आपका जेंडर क्या है, तो इसमें आपको क्या कर देना है फ्रेंड, अगर आप फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, और अगर कस्टम है तो कस्टम, तीन ऑप्शन आ रहा है, जो भी अकॉर्डिंगली आपको होगा इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन इसको आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स इसके अंदर जो आपको नेक्स्ट जो आपको ये स्टेप्स मिलता है इसके अंदर आपको कह रहा है कि एंटर योर मोबाइल नंबर, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो एंटर कर सकते हैं। बट इसके यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस जैसे अगर आप फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं आपके सामने हमेशा दो ऑप्शन होता है, जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि आपको अगर आपके पास मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है, तो अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तब भी आप इसके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो अगर ईमेल आईडी है
तो उससे कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे उसके हिसाब से आप इसमें लॉग इन या अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बिगिनिंग में शुरुआत में बता दिया था। तो अब जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो ये मोबाइल नंबर एंटर कर देना, उसके बाद ये नेक्स्ट का जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये मैंने आपको मोबाइल का जो बताया था नेक्स्ट करके, उसके बाद अगर आप यहीं पर एक ऑप्शन आता है साइन अप विद ईमेल एड्रेस, तो अगर आप फ़ोन नंबर के साथ जाना चाहते हैं तो आपका जो भी आपको सुटेबल है तो आप जा सकते हैं, बट अगर आप ईमेल एड्रेस के साथ जाना चाहते हैं तो इसमें आपको ईमेल एड्रेस का भी ऑप्शन यहीं मिल जाता है। तो अगर आप इस पर नहीं करके इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर आपको पर ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा इसमें। अब जैसे आप सपोज करिए कि अगर आप फ़ोन नंबर के साथ जाना चाहते हैं नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी, या अगर आप ईमेल के थ्रू जाते हैं तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आपको ओटीपी एंटर करना है। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि चूज अ पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड इसमें ये लिखा हुआ कि क्रिएट अ पासवर्ड विद एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, 6 डिजिट से कम का नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा का हो जाए 7 या 8 या 10 डिजिट का हो सकता है, लेकिन तो आपको पासवर्ड ये जो 6 डिजिट का है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, एंटर कर देना है, लिख लेना है इस पर। उसके बाद ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आपको एक पासवर्ड, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चुनना है, जैसे कि थोड़ा सा आसान भी रहे आपको याद करने में और स्ट्रॉन्ग भी हो, तो ये दोनों चीज़ आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, नया पासवर्ड बनाना आपको यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। और फ्रेंड्स, इसके अंदर एक जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ईमेल आईडी ऐड करने का, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ये देखिए क्या करें, एडिंग एन ईमेल हेल्प यू कीप योर अकाउंट सिक्योर फाइंड फ्रेंड एंड मोर, कह रहा कि अगर आप ईमेल आईडी ऐड करते हैं तो इससे आपका अकाउंट सिक्योर होगा और आपके जो फ्रेंड होंगे उनको आसानी से ढूंढा जा सकता है, ये फेसबुक कह रहा था। तो आपके सामने ऑप्शन आता है दो, या तो आप एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो ईमेल आईडी, या फिर स्किप कर सकते हैं, मतलब इसको छोड़ सकते हैं, मतलब ऐड नहीं करना आपको, तो स्किप का ऑप्शन आता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करके नेक्स्ट का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली आप कर लीजिएगा। अगर स्किप करना है या छोड़ना है, नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप करके आगे बढ़े जा सकते हैं आप। फ्रेंड्स, अब देखिए ये नेक्स्ट करने पर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो साइन का ऑप्शन का थोड़ा वेट करेंगे, साइन इन जब हो जाएगा उसके बाद ये जो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा कि आपको पासवर्ड सेव करना है, क्योंकि आपने एक पासवर्ड बनाया है तो उसको सेव करना है या नहीं करना है, तो वो ऑप्शन आएगा, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर ये जो ऑप्शन आ रहा है, मैंने आपको बताया जो ये सेव पासवर्ड का और ये नोट नाउ का, ठीक है, तो ये आपके सामने एक आ गया है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो सेव कर देंगे, सेव करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार लॉगिन पासवर्ड नहीं एंटर करना पड़ेगा, और अगर नोट नाउ करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको आपका पासवर्ड जो है वो एंटर करना पड़ेगा आपको, और लॉगिन पासवर्ड से अगर आप मोबाइल से लॉगिन करते हैं या ईमेल आईडी से, तो आपको पहले ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपका पासवर्ड एंटर करके ना उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको जब जैसे आप आगे करेंगे तो ये कह रहा है ऐड योर फोटो, आप एक प्रोफाइल फ़ोटो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चूज़ फ्रॉम गैलरी से भी कर सकते हैं या फोटो क्लिक भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपकी अच्छी फ़ोटो लगती है कि हाँ आपको ये अच्छा लगता है तो वो फ़ोटो यहाँ पे आप लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे, इसके अंदर आपको डायरेक्टली इस पे चूज़ पे क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हैं, या तो ये जो स्किप का ऑप्शन है, मतलब जब आप चाहते हैं कि अभी नहीं, मैं कुछ दिन बाद में या कुछ देर बाद लगा सकता हूँ, तो स्किप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं स्किप करके। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, ये जो 3 आपको लाइन दिख रही है इस पर क्लिक करना है। और अब से देखिए, अब क्या हुआ गया कि आपका जो फेसबुक का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, अब आपको लगता है कि आपको एक प्रोफाइल पिक लगानी चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली 3 ये जो 3 लाइन्स इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है सी योर प्रोफाइल, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको इस पर क्लिक करना है क्योंकि आपका अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है, तो इसमें आप जो भी चीज़ें जैसे फेसबुक पे चैटिंग करना है, कोई वीडियो देखनी है, शेयर करना कुछ, तो आप इसमें कर सकते हैं, बट उसके लिए एक बार अपना जो फेसबुक का जो प्रोफाइल फ़ोटो है या कवर फ़ोटो, जो बैकग्राउंड फ़ोटो होती है, वो सब ऐड कर लेंगे, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा आप लिख देंगे कि मेरा नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, या थोड़ा सा बायो जो होता है, बायोग्राफी वो लिख सकते हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। बट इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 लाइन पर क्लिक करके आपको एक प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन जो इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड कवर फ़ोटो, मतलब बैकग्राउंड जो फ़ोटो होती है, जो कवर फ़ोटो होती है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं क्लिक करके इस पर, या फिर आपका प्रोफाइल फ़ोटो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं।
इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि बायोग्राफी थोड़ा सा अपने बारे में आप ज़रूर लिखें, जिसमें आपका करंट सिटी है, वर्क प्लेस क्या काम करते हैं, स्कूल कौन सा था आपका, या होम टाउन क्या है, रिलेशन है, स्टेटस है, थोड़ा सा आपने बारे में लिख देंगे तो ईजी रहता है कि ये आपके बारे में जो भी आपका प्रोफाइल लिखता है उसको समझ में आता है थोड़ा बहुत। तो ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं, आपको कवर फोटो या आपको प्रोफाइल फोटो या अपने बारे में कुछ लिखना आप यहीं से कर सकते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, टेक फोटो प्रोफाइल वीडियो, सिलेक्ट प्रोफाइल वीडियो, या फिर जो भी ये पिक्चर्स है सब डिटेल आ जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है और आपको जो जो प्रोफाइल या फिर आपका कवर फोटो, फेसबुक का कवर फोटो कैसे ऐड करते हैं या फेसबुक का प्रोफाइल फोटो कैसे ऐड करते हो सब मैंने आपको बता दिया, या फेसबुक में आपको बायो कैसे लिखते हैं, बायोग्राफी अपने बारे में कैसे लिखते हैं, वो सब मैंने इसके अंदर आपको इसलिए बता दिया आपको ताकि ईजी रहे आपको हर चीज़ की। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये आपको चीज़ें जो प्रॉपर चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ चुकी होंगी। रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो कम से कम